130 इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आपको सारा सीन बताता हूँ अभी मैं क्या सीन है। बाइक का बैक साइड का टायर पूरा रिमूव कर दिया है, और ये चेक करो भाई इसकी चेन पॉकेट कितनी बड़ी है, ये चेक करो 130 नंबर। थैंक यू भाई, कहाँ जा रहे हो? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ये अपनी सी एंटी, हाँ ऊपर लगा 130 लगाते हैं। आज हम लोगों ने एक बहुत ही गलत काम करने जा रहे हैं, अपनी ड्यूक में 150 नंबर टायर है, 130 इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आपको सारा सीन बताता हूँ अभी मैं क्या सीन है। वर्कशॉप में ना 120 130 नंबर काफ़ी टायर्स पड़े हुए हैं, तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने बंदे देखे हैं 150 से ऊपर ही डालते हैं ड्यूक में, लाइक 180। पहले ना आप लोग बाइक के हालत चेक कर लो, आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देख लिया थोड़ा पंगा हो गया था, तो मैंने जो ऑफ रोड वाली वीडियो थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी। वो टायर रखे हैं 130 नंबर है, एक 120 नंबर है, 130 नंबर ही डालेंगे। इस टायर में ऑलरेडी ट्यूब डली हुई है, तो अभी यहाँ पे खोल रहे हैं इसको। ब्रेक पैड कितने बजे हैं है ना, तो अभी सर्विस कराऊंगा ना, तो सारा कुछ एक साथ ही कराऊंगा इसका। बाकी लाइट नहीं है, पहले हम इसको वॉश करने के सोच रहे थे बट लाइट नहीं है, और अभी ना इसको जैक लगाना पड़ेगा। हमें वो नहीं है दूसरा वाला, और एक बार मार के फिट कर देंगे फिर से। तू तो बोल रहा ड्यूक का टायर काफी आसान होते खोलने में। बाइक का बैक साइड का टायर पूरा रिमूव कर दिया है, और ये चेक करो भाई इसकी चेन पॉकेट कितनी बड़ी है। नहीं ट्यूबलेस करना भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे चेक करो, ये अपना पुराना टायर, इसकी हालत काफी खराब है, और ये 130 नंबर टायर डल चुका है। उस टायर की हालत तो काफ़ी ख़राब है, मैं तो न्यू डलवाने वाला था, बट ये बोल रहा था कि हमारे पास टायर पड़े 120-130 नंबर, तो डाल के देख लेते हैं। निकल बताओ पहले, इससे अच्छा नंगा ही आ जाता। एक ये भी है 120 नंबर, पहले ये डालने की सोच रहे थे, एक नंबर छोटा था ये, तो 130 डाल दिया। चेक कीजिए 130। चलो सो फाइनली अभी फिटिंग की बारी है। कुशन रबड़ ठीक है इसकी, अगर वो खराब हो जाए तो फिर स्पोकेट में प्ले आती है। सो अभी फिटिंग करते हैं फटाफट इसकी। A few moments later. Finally guys, टायर डलवा के आ चुका हूँ। सो हमने राउंड मार के भी देखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है या हैंडल वोवल हो रहा है या कुछ लीन वगैरह में, तो सारा चला के देखा। बाकी टायर में ग्रिप तो है थोड़ी बहुत अभी, ठीक है चलने लायक है, ट्यूब डाल दी है फुल पावर चल जाएगा। तो अभी मैं बाइक को लेके आ चुका हूँ, लाइट नहीं थी तो हम सोच रहे थे वॉश करनी है, बट लाइट ही नहीं थी। तो अभी बाइक गंदी है, तो मैं सोच रहा हूँ ऑफ रोड करके आते हैं, और ऊपर से ना अभी टायर डाल दिए तो फिर ऑफ रोड तो करना ही पड़ेगा। ये चेक करो 130 नंबर टायर पड़ा हुआ था यार, तो फिर कर दिए फिट। तो अभी ना फटाफट चलते हैं ऑफ रोड मार के आते हैं। सो यहाँ पे ऑफ रोड है, आप लोगों को पता ही है, मेरे को चलाने में ज़रा फ़र्क नहीं लग रहा है। थैंक यू भाई, कहाँ जा रहे हो? भैया कोई कहीं नहीं यार, हम यहीं पे थे। अच्छा मेरा वेट कर रहे थे? हाँ यार कुछ करवा रहे थे आप। अभी हाँ। टायर चेंज करवा रहा था। हाँ। और बताओ रोज लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हाँ तो वापस छोटे छोटे भाई लोग मिल गए थे अपने, तो काफी मजा आता है मिलके। हाईवे में पता लगेगा कि लीन वगैरह में आती है दिक्कत की नहीं, आनी तो नहीं चाहिए वैसे। रिएक्शंस मजा आ रहा है यार कसम से। तो अभी ना मैं ज्यादा आगे भी नहीं जाऊंगा, ऐसे ही ऑफ रोड करने आ गया था मैं। बिना टायर स्लिप हुए बाइक निकल जा रही है अब तो इजीली। भाई पहले ना पूरा टायर रोल हो जाता था, ग्रिप भी नहीं थी भाई, पूरा टायर खत्म था। तो भाई यहीं से टर्न कर लेते बाइक को भी, चलते वापस ही चलते हैं, ऊपर से जाके फायदा नहीं है।
चलते हैं भाई अभी। ज़्यादा कीचड़ में डाल के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। भाई अब ऐसे फील हो रहा है ना कि मतलब ये मिट्टी उखाड़ दे रहा है। पहले पानी उड़ता था, खतरनाक ग्रिप बन रहा है भाई अब तो। हाँ सुन लो बढ़िया भाई। आप बताओ तुम भी ठीक है? कहाँ जा रहे हो? हम तो कहीं नहीं जा रहे। कर लो भाई। बाय। तो यही था आज की वीडियो में, आप लोगों ने देख लिया टायर वायर चेंज किया। तो इस वाली वीडियो को यहीं पेंड कर देते हैं। तो गाइज मिलते हैं अब आप लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय फुल सपोर्ट।